जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों अग्निपथ जब से स्कीम लॉन्च हुआ है तब से बच्चे ज़्यादा उत्साहित हैं कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, क्या क्या होगा, क्या होगा। दोस्तों आज हम लोग पता करेंगे अपने मोबाइल से, आप भी पता कर सकते हैं कि अगर आप बिहार के या उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों मैं अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर हूँ, आप लोग भी यहीं डॉट मतलब सर्च कर लीजिएगा www.joinindianarmy। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है अग्निवीर इनरोलमेंट, या दोस्तों इसको छोड़िए अग्निवीर, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए अग्निपथ, यहाँ पे अग्निपथ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों हम अग्निपथ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा देगा, हमको दिखा देगा अग्निवीर इनरोलमेंट, इसको हम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम एलिजिबिलिटी पे दोस्तों हम कलेक्ट क्या बोलते हैं दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोलेगा कि आप किस राज्य से आते हैं। जैसे मैं दोस्तों हम बिहार से आते हैं, यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों हम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक JDRO होता है, बिहार का JDRO दानापुर है, सभी को पता होगा, वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मैं ईस्ट चंपारण से आता हूँ, ईस्ट चंपारण सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद तहसील, तहसील दोस्तों जैसे दोस्तों तहसील की बात करें तो यहाँ पर मैं तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी दोस्तों मैं तहसील सेलेक्ट कर लिया। अब तहसील सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ बोल रहा है हाइट, अपना हाइट जो है सेंटीमीटर में सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे दोस्तों मैं अपने हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाइट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जन्म तिथि डालिए अपना, तो यहाँ पे दोस्तों जन्म तिथि डाल लीजिएगा जैसे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हो, तो मैं 12th पास हूँ, यहाँ पे 12th पास सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों अपियरिंग या पास रेट, तो मैं पास हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ वैवाहिक स्थिति अनमैरिड सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आर यू रिमांडिंग, ये दोस्तों नो कर दीजिएगा और यहाँ पे ये रहेगा, और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों अग्निवीर जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर में अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर ट्रेड्समैन में, हम सभी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे दिखा रहा है अप्लीकेशन नोट ओपन, मतलब बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का अभी जो भर्ती है वो नहीं ओपन हुआ है। तो अब दोस्तों हम पता कैसे करेंगे, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का भर्ती तो अभी तो 1 जुलाई से फॉर्म आया हुआ है, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में भर्ती होगा, तो हम कैसे पता करें दोस्तों कि हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती हो रहा है। जैसे कहीं पता करना, जैसे यूपी में दोस्तों भर्ती हो रहा है, तो जैसे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम बरेली सेलेक्ट कर लेते हैं, बरेली 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 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बरेली सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम कोई भी उसका तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे फरीदपुर कुछ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी सब हमारा वहीं रहेगा, हाइट डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वहीं रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम दोस्तों चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए बोल रहा है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, ग्रीन कलर से अप्लाई का ऑप्शन दे रहा था, और वहाँ पे आप देख रहे थे अप्लीकेशन नोट ओपन। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे, अगर आप लोगों को भी दोस्तों डाउट है कि हमारे AR में अभी भर्ती आई हुई है कि नहीं, जैसे मैं बिहार के इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ पे भर्ती स्टार्ट हुई है कि नहीं, तो आप लोग भी दोस्तों सेम प्रोसेस से ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे आके अग्निवीर में दोस्तों आके एलिजिबिलिटी में क्लिक करके और अपना दोस्तों स्टेट जिला और तहसील डाल के हाइट डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन डाल के आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों जो फॉर्म है वो कब ओपन होगा। आप लोग हरदम देखते रहिएगा खोल खोल के। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।